चलो आप भी विश करो बैना को। हैप्पी बर्थडे टू यू। आप भी बोलो, अब रेयान भी थैंक यू बोल, वो बोलेगी थैंक यू बोल। हैप्पी बर्थडे टू यू। और बोल हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू। पाली का देख। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं हैं आपके साथ और आपकी दुआएं हैं मेरे साथ। तो आज है मेरी बेटी हूर की बर्थडे, तो माशाल्लाह 3 साल की हो गई है, 4th साल में लग गई है। तो आप सबकी दुआओं के साथ आज उसकी हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हम खुद नहीं कर रहे क्योंकि ये सरप्राइज़ बर्थडे है जो कि मेरी फ्रेंड्स वगैरह दे रही हैं। और माशाल्लाह वो हर साल मेरे साथ ज्वाइन रहती हैं और माशाल्लाह खुद ही आती हैं। और ये जो सूट हूर ने पहना हुआ है ये मैंने गिफ्ट किया है, साथ ये सजावट जो है मैंने गिफ्ट की है। इसके पापा केक लेकर आए हैं और बाकी अरहम रियान की तरफ से गिफ्ट है, वो मंगवा दिए थे, वो भी आपको ओपन करके दिखाएंगे। तो ये हमारा है फैमिली फ़ोटो और ये मैंने इस दफ़ा कुछ नया सजावट के लिए सोचा था, तो ये मैंने पीछे इसकी फ्लैक्स बनवाई है। ये इसके पहले दिन की तस्वीर है और इसकी दूसरी बर्थडे की, तीसरी बर्थडे की इसकी तस्वीर है, तो ये यादगार होती हैं। तो इस वजह से ये सजावट सारी है हम सब ने मिलके की है। तो कोई भी नहीं सब मेरी फ्रेंड्स आई थी, 3 फ्रेंड्स, एक मेरी नेबर और एक मेरी फ्रेंड। बहुत अच्छी है माशाल्लाह, वो हर बर्थडे भी मेरे बच्चों के आती है, तो बस आज भी वो ही आई थी हमारी खुशियों में शरीक होने। तो थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा आंटी आपका और नौशी तुम्हारा, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बेटी की खुशियों में। और इतने लगाव के साथ हमें कहने के लिए कि बर्थडे पे आना है हमने, तो क्योंकि आप लोगों को कहा नहीं जाता, आप खुद ही आती हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों ने चाहत। और ये हम लोगों ने सजावट कैसे शुरू की थी और ये कैसे सज गया और कैसा ये दिख रहा है, ये सारी सजावट आपको ज़रूर पसंद आएगी। और बहुत से लोग अपने घर को, छोटे से घर को सजाना चाहते हैं, दुआ करें अल्लाह ताला हमें अपना घर अता फरमाए। तो ये चीज़ हम लोगों ने अपनी वीडियो स्टार्ट कर ली। तो ये साहब हैं और ये फैमिली है। तो ये बर्थडे केक लेकर आए थे, हमने एक दिन पहले ही बर्थडे का इसका कहा था, क्योंकि हर तरह का बर्थडे हम लोगों ने इसका यानी कि केक तैयार करवाया था। तो इस दफ़ा हमने सोचा सिंपल सा डिसेंट सा तैयार करवाते हैं, हमें बहुत अच्छा ये लगा था। तो जी ये हैप्पी बर्थडे। तो ये हमने केक, तो यार हम साहब को पार्टी को पोप नहीं करना आ रहा था, मुझे भी नहीं करना आ रहा था, तो ये रियान ने गिफ्ट तो जी ये रियान ने दिया है बड़ा प्यारा गिफ्ट हूर को अपनी पसंद का ला के अपने पापा के साथ। तो ये है मेरी फ्रेंड की बेटी, ये जो हर बर्थडे पे माशाल्लाह इनको बहुत चाहत होती है मेरी बेटी की बर्थडे की, तो माशाल्लाह ये चाहत अपनी दिखाने आती हैं हर बच्चे की दफ़ा और मेरी दफ़ा भी, हर मेरी खुशियों में ये शरीक होती हैं, मेरी गमों में शरीक होती हैं। और इंसान ऐसा ही अच्छा है जो गमों और खुशियों में शरीक हो। तो थैंक यू। ये अरहम है, अरहम भी अपनी मर्ज़ी का गिफ्ट अपने पापा के साथ जाके लेकर आया है और बहुत ही प्यारा इसका गिफ्ट था। तो पॉकेट मनी वाला जो मैं दिखाया वो मैंने इनको कहा कि नहीं आप अभी और जमा करो, इसका बड़ा सारा गिफ्ट लेके देना। तो ये जी पॉकेट मनी अपनी संभाल ली इन्होंने और गिफ्ट लेकर आए हैं बड़ा प्यारा अपनी बहना के लिए। तो ये सब ने गिफ्ट भी दिए और साथ मेरी बेटी को मनी भी दी, तो बड़े ही प्यारे यानी कि बहुत मज़ा आया। इसके बाद हूर और अरहम का देखने वाला था, आंटी ने भी बहुत प्यारा इसको छोटी सी वॉकर गिफ्ट की, बहुत ही प्यारा। वैसे ही हूर को ढोल इतनी पसंद है और बहुत ही अच्छी हैं ये भी, हर खुशी गम में हमारे साथ होती हैं और बड़ा अच्छा लगता है जब कोई आपकी खुशियों में शामिल होता है।
तो ये हूर का ड्रेस था, हूर को फ्रॉक पहनाना था, लेकिन इसके साथ एक थोड़ा सा मसला हो गया जो नहीं बना। फिर ये इसको ला के मैंने दिया, कैसा लग रहा है? हूर तो बड़ी मस्त थी, बड़ा एंजॉय किया, डांस किया हूर ने। तो ये खाना है, खाना मैंने कोरमा तैयार करवाया था, साथ ही भल्ले थे, बोतलें थी, केक थे, बाद में फिर चाय ग्रीन टी थी। बहुत ही मज़ेदार खाना तैयार हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। तो माशाल्लाह सब ने बहुत तारीफ की। तो जी यही कुछ होता है छोटी छोटी खुशियों में मनाते मनाते। वो भी दिखाओ, वो भी लेमन मैक्स के डिब्बे में। तो ये खोल के ना उसी टाइम बंद करते हैं। तो बहुत प्यारा, वही मैं देख रही हूँ आंटी ने सावन नहीं रखा। ये खोल के उसी टाइम बंद करके फ्रिज के ऊपर रख लो। बहुत ही अपनी पसंद का लेकर आया था गिफ्ट, मीरा का भी दिखाओ। तो बस इधर लाओ, इधर सुना पूछे थे छोटी छोटी खुशियाँ बहुत अच्छी लगती है। खुशियों को जरूर इंजॉय किया करें, क्योंकि जिंदगी आजकल वैसे ही बहुत हो रही है। तो ये बाद में हम फोटो शूट करते रहे हैं अब पापा के साथ, मम्मा के साथ, वीर मैडम का और ये भैया के साथ। और आप बताइएगा ज़रूर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा, मेरी बेटी को हैप्पी बर्थडे और अपनी दुआओं से ज़रूर नवाजिएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, हैप्पी बर्थडे टू